हेलो गाइस, कैसे हैं? अभी आप सभी विजयलक्ष्मी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ फ्राई मोमोस घर पे बनाने के। कैसे बनाएं तो हम आपको भी इस वीडियो में बताएंगे गाइस। बहुत ही चटपटा और बहुत ही टेस्टी, जो कि घर में ही आपको बना के दिखाएंगे। एकदम बाजार जैसे बहुत ही क्रिस्पी बना हुआ है, एकदम बाहर से और अंदर से सॉफ्ट है। तो इस वीडियो में चलिए बना के दिखाते हैं गाइस। मोमोस बनाने के लिए गाइस ये हमने एक पत्ता गोभी लिया है। इसको हम पहले घिस लेंगे, एकदम महीन सा कद्दूकस कर लेंगे। उसके लिए हमने लिया है ये एक कटोरी मैदा और इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक, आधा छोटा चम्मच। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और हल्का हल्का पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेते हैं, आटा जैसे गूंथ लेते हैं। इसे भी ये देखिए हमारी मैदे की डो जो है तैयार हो गई। ऊपर से हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा देते हैं, रिफाइंड ऑयल लगा के इसे भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं। ये हमारा मिक्स हो चुका है, अभी इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख देते हैं गाइस। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। ये जो मैंने पत्ता गोभी लिया है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है गाइस। अब हम इसमें इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे ये 2 हरी मिर्च, इसको हमने महीन काट लिया है, और ये अदरक का टुकड़ा जिसे हमने कद्दूकस कर लिया है, और ये थोड़ा सा लहसुन है 3 से 4 कली, इसको भी हमने कद्दूकस कर लिया है। और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं। ये देखिए ये आधा छोटा चम्मच मैंने नमक ऐड कर दिया है, और साथ में ऐड कर देते हैं 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। और हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीक़ों से हाथों की मदद से। एकदम सिंपल तरीके से बना रहे हैं लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करिए, आप लोग घरों में बना सकते हैं आसानी से मोमोस, बहुत ही बढ़िया बनेगी ये। इसको हमने मिक्स कर लिया है, अब हम चलते हैं मैदे का जो हमने डो बना के रखा है गाइस उसका बना लेते हैं मोमोस तैयार करने के लिए। ये हमारा मैदा रखे हुए 10 मिनट हो गया। अब हम इसे गोल गोल लोइयां काट लेते हैं, जितना बड़ा मोमोस बनाना है उतना बड़ा शेप में काट लेते हैं इसे। इस तरीके से लंबा कर लेते हैं, इसकी छोट छोट गोल गोल लोइयां बना लेते हैं छोटा साइज का एकदम इस तरीके से। ये मैंने सारे गोल गोल लोइया बना लिए हैं। अब हम इसे पूरी के शेप में बेलेंगे, बहुत ही पतला बेलना है इसे। चलिए बेल के दिखाते हैं आप लोगों को। मैदा का आटा थोड़ा सा लगा के इसे एकदम पतला गोल शेप दे देंगे। देखिए हमारा बहुत पतला ही बेल के तैयार किया, एक बराबर से बेल देंगे। और हम जो बना रखे हैं स्टफिंग इसको भर लेते हैं। और इस तरीके से राउंड दे देंगे हाथों की मदद से। इस तरीके से गाइस हम सारे मोमोज तैयार कर लेते हैं।
ये देखिए हमारा बहुत ही सुंदर मोमोज बन के तैयार हुआ है। ऐसे ही सारे मोमोज बना के रेडी कर लेते हैं। ये देखिए गाइस, हमने मोमोज को भर के एकदम तैयार कर लिया है। इसे हम बनाएंगे फ्राई मोमोज। तो इसके लिए हमें सिर्फ 5 मिनट स्टीम करना है, उसके बाद ज़्यादा कुक नहीं करना है इसको। उसके बाद निकाल के फ्राई करेंगे इसे। उसके लिए हमने एक कढ़ाई लिया है जिसमें हमने पानी डाला है। उसके ऊपर से ये छन्नी वाला थाली रख देंगे, ये हमारा बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसी में हम स्टीम करेंगे। उससे पहले इस पर ऑयल ग्रीस कर लेते हैं ताकि हमारा जो मोमो से सटे ना, चिपके ना इस पर। अब हम मोमोज को इसी पे सरिया देते हैं। अभी इस थाली से ढक के 5 मिनट तक इसे स्टीम कर लेते हैं। ये हाई फ्लेम पे 5 मिनट कुक हो चुका है, गैस को बंद कर देते हैं। अब हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए गाइस, 5 ही मिनट हाफ कुक किए हैं। अब इसे फ्राई करेंगे थोड़ा सा ठंडा होने पे। आप थोड़े 3 से 4 घंटे के बाद भी फ्राई करिएगा, बहुत अच्छा ये फ्राई हो जाएगा, एकदम कुरकुरे जैसे मोमोस। फ्राई करने के लिए गाइस हमने एक फ़ैन रखा है जिसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। हमारे रिफाइंड भी हीट हो चुकी है, थोड़ा सा गैस के फ्लेम को धीम कर देते हैं। और इसमें हम जो हमने हाफ स्टीम मोमोस किए थे, 5 मिनट किए थे, इसे हम फ्राई कर लेते हैं इस तरीके से। उलट पलट के गए, देखिए इस प्रकार से उलट पलट के सारे मोमोज को इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए गाइस, हमारी मोमोज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर, ऐसे बाकी के भी मोमोज फ्राई कर लेते हैं। मोमोज की चटनी बनाने के लिए ये हमने 2 लाल टमाटर लिए हैं और 4 से 5 लाल मिर्च लिए, जिसे हमने गैस पे बॉयल होने के लिए रख दिया है। 4 से 5 मिनट में ये बॉयल हो गए, टमाटर सॉफ्ट हो जाए और मिर्च भी, तब हम गैस को बंद कर देते हैं। तब तक बॉयल कर लेते हैं इसे, तीखी चटनी बनाने के लिए मोमोज की। ये देखिए गैस, हमने मिर्चे और टमाटर को बॉयल कर लिया। अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं, इतना पानी रहना चाहिए। मोमोज की चटनी बनाने के लिए हमने एक पैन रखा है, उसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल। एकदम बाजार जैसे मोमोज की चटनी बनके एकदम तैयार करेंगे। ये हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम कटा हुआ जिंजर और अदरक लहसुन जो कि हमने कद्दूकस कर लिया, इसे हम ऐड कर देते हैं। गैस की फ्लेम को थोड़ा सा धीम कर देते हैं। इसे अच्छे तरीके से भून लेते हैं थोड़ा सा। धीमी आंच पे इसे भुनेंगे। ये हमारा भुना चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं, ये सोया सॉस है 1 चम्मच के करीब में है। ये आधा छोटा चम्मच नमक, ये आधा चम्मच शुगर, इसे ऐड कर देते हैं।
और साथ में ऐड कर देते हैं जो हमने ये टमाटर और मिर्च का पेस्ट बनाया था उसे ऐड कर देते हैं और अच्छी तरीके से इसे उबाल आने देते हैं। इस तरीके से चटनी को फ्राई कर लेते हैं। एकदम मार्केट जैसे चटनी के लिए थोड़ा सा हमने एक चुटकी तक फूड कलर ऐड कर दिया है। इसे भी चला लेंगे जिससे हमारी चटनी बहुत ही देखने में अच्छी दिखेगी। 3 से 4 मिनट इसे धीमी आंच पे ही पका लेंगे। इसे लो टू मीडियम पे ही जिससे कि हमारी चटनी बहुत ही अच्छी बने। ये देखिएगा 3 से 4 मिनट हो गया है हमारी जो है चटनी जो पक चुकी है। बहुत ही टेस्टी लगेगी, एकदम मार्केट जैसी चटनी है मोमोज की चटनी। तो हम गैस को कर देते हैं बंद। सो फ्रेंड्स, हमारे गर्मा गर्म मोमोज बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी है फ्राई मोमोज। और हम इसके ऊपर से ऐड कर देते हैं थोड़ा सा ये चाट मसाला जिससे एकदम बाजार जैसे लगेगी, दुकानों पे जैसे मिलता है हम लोग मोमोज खाते हैं एकदम वैसा फ्राई मोमोज बनके एकदम बिल्कुल रेडी है। हमने आपके लिए ये वीडियो में बनाया है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। हमारा ये चटपटा सा मोमोस आप लोगों को कैसा लगा फ्राई मोमोस कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए धन्यवाद।